प्रीविया ठीक है तो कैसे पता करेंगे कि प्रीविया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है देखिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है बट आप इसमें ऐड कर लेना सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन एज यूज ठीक है तो हिस्ट्री कलेक्शन में हमें क्या करना होता है देखिए पेशेंट तो अभी परेशान है तो पेशेंट से हिस्ट्री ना लेकर के हम उनके पेरेंट्स से ले सकते हैं या कोई भी जो भी साथ में उनको लेकर के आए उनसे ले सकते हैं कि कैसे हुई है ब्लीडिंग लाइक सोरी थी या जाग रही थी या क्या हो रहा था कैसे हुई है ब्लीडिंग ऑब्वियसली हम जानते हैं कि प्लासेंटा प्रीवियम के केस में मोस्टली ब्लीडिंग कब होती है जब मदर डाउन होती है सो रही होती है और जब वो उठती है तो उसे ब्लड ही ब्लड चारों तरफ दिखता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मदर लेटी होती है तो बेबी भी अंदर रिलैक्स होता है लाइक तो एक तरफ आ, हो सकता है कभी कदर ऐसा होता है कि वो रॉन्ग पोजिशन से लेटी है या तो वो एसिलिटी है और बेबी के स्थिर रहने से आ, प्लासेंटा पे प्रेशर पड़ गया और प्लासेंटा प्रीविया न, के केस में ब्लीडिंग हो गई ठीक है ये हम पता कर सकते हैं देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पता कर सकते हैं हेड टू टू एग्जामिनेशन कर सकते हैं देखिए हेड टू टू एग्जामिनेशन में फेस पे क्या दिखेगा मदर की एनजाइटी दिखेगी बाकी एबडोमिनल एग्जामिनेशन में हमें आराम से कैसा दिखेगा अब दिखेगा सॉफ्ट uh, दिखेगा टेंडरनेस नहीं दिखेगी क्यों क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं आए हैं अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं इसी वजह से सॉफ्ट फिर और टेंडरनेस कम दिखेगी उसके बाद हम वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि किस टाइप ऑफ ब्लीडिंग पता चलेगी कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है रिकरेंट हो रही होगी ठीक है किस टाइप की ब्लीडिंग हो रही है ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब ज्यादा टर्न हो गया है प्लासेंटा या ज्यादा डिटैच हो गया है कम ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है कि थोड़ा सा टॉन हुआ हो थोड़ा सा डिटैच हुआ हो ठीक है ब्लीडिंग से हम ये पता कर लेंगे और वैसे भी हमारे सिम्टम कैसा था सडन स्पॉन्टेनियस रिकरेंट पेनलेस ब्लीडिंग थी ठीक है इसके अलावा फिर हम ब्लड टेस्ट करा लेंगे जिससे कि ब्लड में हमें पता चल जाएगा कि कि कौन सा ब्लड ब्लड ग्रुप है जिससे बाद में फर्दर हमें ट्रांसफ्यूजन के लिए पहले से हमारे पास ब्लड होना चाहिए इसके लिए हम ब्लड टेस्ट करा लेंगे प्लस हम ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कराएंगे सो इन ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में हम वजाइना के थ्रू प्रोब अंदर डाल करके वजाइनल सोनोग्राफी करा लेंगे जिससे हमें Uh, काफ़ी एग्जैक्ट चीज़ें पता चलेंगी 100 परसेंट ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है क्यों हम कराएंगे जब सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा होगा तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम ट्रांसफाजाइन सोनोग्राफी करा सकते हैं क्यों क्योंकि देखिए अभी तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा तो बहुत बड़ा नहीं होगा और ब्लीडिंग भी uh, कम हो रही होगी तो आराम से हम वजाइना के थ्रू प्रोप डाल के सोनोग्राफी uh, करा सकते हैं प्लस एक और चीज है कि सर्विक्स की इंटरनल ऑस के पास होगा प्लासेंटा तो अगर हम वजाइनली देखते हैं तो बहुत क्लियर हमें व्यू दिखेगा इस वजह से हंड्रेड परसेंट हमें क्लियर व्यू दिखेगा फिर ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी भी करा सकते हैं ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी भी नाइनटी एक्यूरेट रिजल्ट देता है ये हम कब कराएंगे थर्टी वीक्स ऑफ जेस्टेशन के आसपास यानी कि सेवेंथ मंथ के, के आसपास हम कराएंगे ये हम सेवेंथ मंथ के आसपास इसलिए कराएंगे एबडोम के थ्रू इसलिए कराएंगे जिससे कि इस टाइम पे प्लासेंटा का साइज बड़ा हो गया होगा मंथ के आसपास का साइज बड़ा हो गया होगा तो आराम से हम एबडमिनली उसको एनालाइज कर सकते हैं और ट्रांस सोनोग्राफी हम इसलिए करा रहे थे क्योंकि वो सेकंड ट्राइमेस्टर में करा रहे थे उस टाइम पे जो प्लासेंटा था वो छोटा था तो इससे बाहर से एबडोमली देखने से अच्छा था कि हमने वजाइना के थ्रू देख लिया Then, देता है ठीक है इसमें हम इंटरनल ऑस पे ज्यादा फोकस करते हैं ऐसा तो नहीं की इंटरनल ऑस बहुत ज्यादा ओपन हो गई हो जिसकी वजह से प्लासेंटा कम्प्लीटली डिटैच होकर बाहर आ सकता है और एबोर्शन होकर चांसेस बढ़ सकते हैं नेक्स्ट है हमारा कलर डॉपुलर तो कलर डॉपलर क्या होता है कि कलर ड्रॉप डौ, डॉपलर भी एक तरह का अल्ट्रासोनोग्राफी होता है थ्री सोनोग्राफी होता है इसमें हमें क्लियर व्यू दिखता है यहाँ पे आप देख लो क्लियर व्यू दिखता है कि कितना ब्लड लॉस हुआ है कहाँ से ब्लड लॉस हुआ है कौन सी कितनी वेन्स और आर्टरीज uh, रप्चर हो रही हैं ब्लड वेसल्स रप्चर हुई हैं ये सारी चीजें हमें आराम से कलर डॉपलर में दिख जाएगी देन एम कराएंगे एम में हमें पता चल जाएगा कि अः uh, प्लासेंटा को हम अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं इसके अलावा हम प्लासेंटा एक्रेटा देख सकते हैं प्लासेंटा एक्रेटा क्या है इट इज अ डीप इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लासेंटा प्लासेंटा का डीप इम्प्लांटेशन इज नोन एज प्लासेंटा एक्रेटा ठीक है तो ऐसा तो नहीं कि नीचे की तरफ लाइक ऑस के आसपास या ऑस के साइड में प्लासेंटा एक्रेटा हो रखा है डीप अटैचमेंट हो रखा हुआ है और ये बाद में दिक्कत ना करे प्लासेंटा सेपरेशन में नेक्स्ट है और यहाँ पे देख लीजिए यूएसजी और एमआरआई का मैंने ऐड भी कर रखा हुआ है एडवांटेजेस तो वजनल एग्जामिनेशन इजी हो जाता है हमारे लिए कम कंफर्मेशन एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में हमें कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ प्लासेंटा प्रीविया की ही कंडीशन है या एपीएच की ही कंडीशन है देन प्लासेंटाप्रीविया के डायग्नोसिस को फाइनलाइज करने के लिए भी एमआरआई और यूएसजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और डिलीवरी किस तरह की करनी है वजाइनल डिलीवरी करनी है या यान डिलीवरी करनी है ये भी हमें आराम से आ, हम डिसीजन मेक कर सकते हैं विदेल्प ऑफ द्लियर एम आर आई एन यूएस जी जैसा कि आप सब जानते हैं मैंने आपको पिछले में बताया है कि डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया कौन सा है हमारा जो हमारा सेकेंड वाला है डेट इज मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया वो हमारा डेंजरस होता है क्यों क्योंकि उसमें हमें लगता है कि वजाइनल डिलीवरी हो जाएगी और बाद में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम वजैना डिलीवरी के चक्कर में पड़े रहते हैं और प्लासेंटा प्रीविया केस के सीवियर हो जाता है और प्लासेंटा ज्यादा तेजी से डिटैच हो जाता है ठीक है बेबी की डिलीवरी से पहले सो ये सब हमें पता रखने के लिए क्या प्लान करना है कौन सी डिलीवरी करनी है एम और यूएसजी का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट देख लेते हैं देखिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं कि क्लिनिकली हमें क्या सही रहेगा क्या करना चाहिए डबल सेट एग्जामिनेशन होता है डबल सेट एग्जामिनेशन एक तरह का आ, कह सकते हैं कि अरेंजमेंट होता है उसमें हम एक ही ऑपरेशन थिएटर में दोनों सेट रखते हैं डबल सेट रखते हैं किस चीज के डबल सेट एक सेट होता है वजनलन डिलीवरी का एक सेट होता है सजेरन डिलीवरी का ठीक है तो ये डबल सेट एग्जामिनेशन हम मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया के केस में करते हैं जो कि हमारा डेंजरस प्लासेंटाप्रीविया भी कहलाता है इसमें हम करते क्या है मेनली पहले तो देखिए मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया है तो पहले तो हम वजना डिलीवरी ट्राई करेंगे इसमें और जब वजना डिलीवरी नहीं होगी फेल हो जाएगी या हमें लगेगा कि वजायनर डिलीवरी वेंट रॉन्ग और आ, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा एक्सेसिव बढ़ गई है तो हम तुरंत ही मदर को उसी रूम में सिजेरियन सेट पे शिफ्ट करने के बाद सिजेरियन डिलीवरी तुरंत करा देंगे तो डबल सेट एग्जामिनेशन का एक बहुत ज्यादा बेनिफिट है क्या बेनिफिट है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है मदर की कंडीशन सीवियर नहीं होती है एक ही रूम में हम दोनों सेट करके रखते हैं वजाइनली और सिजेरियन दोनों सेट करके रखते हैं हमारा सेटअप और पहले हम वजाइनल डिलीवरी ट्राई करते हैं और जैसे ही वो फेल होती है हम तुरंत मदर को शिफ्ट कर देते हैं सीजेरियन के लिए सेम रूम में नेक्स्ट आ जाते हैं मेन मैनेजमेंट में तो स्केमेटिक मैनेजमेंट देख लेते हैं प्रीविया का तो मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास एक पेशेंट आया एपीएच का एंटीपार्टम हेमरेज का तो हमें ये कंफर्म करना है कि प्लासेंटाफ्रीविया का केस है तो हमने इसका जनरल एग्जामिनेशन किया देन हमने सारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन यहाँ पे कर दिया जो कि हम डायग्नोस्टिक में पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें हमने करी ठीक है करने के बाद हमने जब अल्ट्रासोनोग्राफी कराई तो हमें पता चला कि हमें दो चीजें पता चल सकती हैं एक तो ये पता चलेगा कि ये सीवियर है कि नहीं या सीवियर है ठीक है या तो हमें पता चल जाएगा कि मदर की कंडीशन कैसी है सीवियर तो नहीं है अगर सीवियर नहीं है तो उसका मैनेजमेंट ये वाला है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट अगर मदर सीवियर है तो उसका मैनेजमेंट एक्टिव मैनेजमेंट है ठीक है तो पहले देख लेते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के बाद मान लीजिए मदर का मदर की ब्लीडिंग एक्टिव नहीं है बहुत ज्यादा मदर को ब्लीडिंग नहीं हो रही है मदर की प्रेगनेंसी जो है थर्टी सेवन वीक्स यानी नाइन मंथ से कम की है मदर स्टेबल है फीटल हार्ट रेट सही चल रही है एंड कार्डियोटोकोग्राफी ठीक है सी टी जी कार्डियोटो रिएक्टिव है फीटस यहाँ पे सही है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है उसको कार्डियो की कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट रेट फीटस की अच्छी चल रही है इसका मतलब कंडीशन ज्यादा सीरियस नहीं है यहाँ पे हम मदर को थर्टी सेवन वीक्स तक रोक सकते हैं ओके तो फिर से बता देती हूँ देखिए सबसे पहले हमारे पास एक प्लासेंटा प्रीविया की पेशेंट आई उसका हमने सारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर लिया फिर हमने जब अल्ट्रासोनोग्राफी कराया तो हमें पता चला कि मदर को ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई है मदर स्टेबिल है फीटल हार्ट रेट भी ठीक है और फीटस भी पूरा ठीक है प्लस उनकी जो प्रेगनेंसी है वो अभी नाइन मंथ की नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि अभी मदर को कौन सा मैनेजमेंट देना है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट देना है फिर हम मदर को किसी भी तरह से एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करके ब्लीडिंग रुकवा के उसको 37 वीक्स तक रोक सकते हैं एडमिट करके रोक सकते हैं ठीक है उसी तरह से जो एक्टिव मैनेजमेंट है ये सीरियस कंडीशन में दिया जाता है अगर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का जस्ट अपोजिट चल रहा होगा लाइक यहाँ पे एक्टिव ब्लीडिंग हो रखी होगी फीटस हार्ट रेट भी नॉर्मल नहीं हो, हो रखी होगी प्रेगनेंसी जो है नाइन मंथ कंप्लीट कर चुकी होगी फीटस भी स्टेबल नहीं होगा ठीक है और फीटस हार्ट रेट भी अच्छे से नहीं चल रही होगी तब हम फिर से यूएसजी कराएंगे फाइनल कंफर्मेशन के लिए और इधर भी फिर से यूएसजी कराएंगे 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद ठीक है देखिए हमने देखिये सॉरी हमने देखिए दोनों तरफ यूएसजी करा दिया यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेंट में हमने 37 सेवन कम्प्लीट होने के बाद यूएसजी कराया और एक्टिव मैनेजमेंट में हमने तुरंत फिर से फाइनल कंफर्मेशन uh, के लिए यूएसजी करा दिया अब इस यूएसजी में हमें पता चलेगा कि प्लासेंटा का जो एज है प्लासेंटा का एज क्या होता है देखिए ये हमारा यूट्रस है ठीक है मान लीजिए ये इंटरनल ऑस है ये वाली ये इंटरनल ऑस है प्लासेंटा की एच मतलब होता है कि प्लासेंटा का बाहरी एरिया ये रहा बाहरी एरिया प्लासेंटा का ये वाला पोर्शन वो कितना इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है अगर आ, प्लासेंटा का बाहरी एरिया ये वाला बाहरी एरिया टू से थ्री सेंटीमीटर दूर है इंटरनल ऑस से दो से तीन सेंटीमीटर दूर है इंटरनल ऑस से तो हम समझ जाएंगे कि मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया का केस है ये तो जब हम समझ जाएंगे कि मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया का केस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डबल सेट एग्जामिनेशन करेंगे डबल सेट एग्जामिनेशन में हमें दो चीजें करनी है ए आर एम प्लस ऑक्सीटोसिन एआरएम क्या है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। क्यों क्योंकि 37 सेवन वीक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया अब हमें जैसे भी करके जल्द से जल्द डिलीवरी करानी है तो हम आर्टिफिशियल रपच्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन को हम सभी जानते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे बैग ऑफ मेम्ब्रेन बनती है जिसमें आ, जो है एमिनोटिक फ्रूट भरा होता है उस बैग में उस बैग को हम आर्टिफिशियली रप्चर करेंगे नेचुरली रप्चर कर, होने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना ही टाइम देंगे ठीक है हमने उसको आर्टिफिशियली इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रप्चर कर दिया तोड़ दिया और ऑक्सीटोसिन दे दी तो इस केस में दो चीजें हो सकती हैं या तो हमारा ये जो हमने किया है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्लस हमने जो ऑक्सीटोसिन दी है उसमें प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी अगर अच्छे कॉन्ट्रेक्शन आते हैं इसका मतलब प्रोग्रेस हो रही है तो अच्छे कॉन्ट्रेक्शन आते हैं और प्रोग्रेस हो रही है तो हम वजैना डिलीवरी करा देंगे और अच्छे कॉन्ट्रेक्शन नहीं आते हैं और प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो हम सिजेरियन डिलीवरी करा देंगे इसी का जस्ट अपोजिट हम देखेंगे एक्टिव मैनेजमेंट में तो देखिए एक्टिव मैनेजमेंट में सारी कंडीशन सीवियर थी तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन कर देना है सिजेरियन सेक्शन यहाँ पे देखिए प्रेजेंट मैंने लिख रखा हुआ है यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन प्रेजेंट होना है ठीक है ये था हमारा मैनेजमेंट uh, तो एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो देखिए हमारे पास प्लासेंटा प्रीविया का केस आया हमने सारी डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन कर दिए यूएसजी करा दिया यूएसजी से हमें दो चीजें पता चली एक हमें एक्सपेक्टेंट पता चला और एक हमें एक्टिव पता चला तो या तो मदर की कंडीशन ज्यादा सीरियस होगी तो हम उससे एक्टिव मैनेजमेंट देंगे या तो मदर की कंडीशन कम सीरियस होगी तो हम उसे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट देंगे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कम देंगे कब देंगे वो भी देख लीजिए जब मदर को ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही होगी बेबी उसका स्टेबल होगा मदर स्टेबल होगी और बेबी की जो सी टी जी कार्डियोटो है वो बिल्कुल सही चल रही होगी और मदर की जो वो है प्रेगनेंसी है वो सेवन्थ वीक के आसपास की, की होगी ठीक है इंथ वीक वो सॉरी सेवंथ मंथ के आसपास होगी नाइन्थ मंथ नहीं चला होगा ठीक है तो हम क्या करेंगे कि नाइन मदर को कैसे भी स्टेबल करके नाइन मंथ तक उसको रोक के रखेंगे उसके बाद फिर से अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे यूएस जी कराएंगे सेम इसका जस्ट अपोजिट ये इन सबका जस्ट अपोजिट होगा तो हम उसे एक्टिव मैनेजमेंट देंगे जस्ट अपोजिट मीन्स सीरियस कंडीशन होगी जैसे कि ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है बेबी स्टेबल नहीं है मदर स्टेबल नहीं है फिटल हार्ट रेट अच्छी नहीं चल रही है और मदर की जो प्रेगनेंसी पे, है वो नाइन मंथ की हो चुकी है तो हम इसमें फिर से एक बार यूएसजी कराएंगे फाइनल कंफर्मेशन के लिए ठीक है तो दोनों में हमने यूएसजी कराई फर्क सिर्फ इतना है इसमें हमने तुरंत फिर से यूएसजी कराई इसमें हमने नाइन मंथ को कंप्लीट होने के बाद यूएसजी कराई अब आगे देख लेते हैं यूएसजी कराई है तो आगे होना क्या है यूएची कराने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा हमें रिजल्ट मिलेगा कि अगर प्लासेंटा की जो बाहरी एरिया है एच पॉइंट है जो मार्जिन है प्लासेंटा का वो दो से तीन सेंटीमीटर दूर है किससे इंटरनल ऑस से internal तो मार्जिनल प्लासेंटा पीवे क्या होता है कि वो मार्जिन के पास होता है इंटरनल ऑस के ना ही ना कि इंटरनल ऑस के ऊपर होता है ये हम समझ जाएंगे कि अगर ये कंडीशन है इसका मतलब मार्जिनल प्लासेंटा प्रिविया का केस है और मैंने आपको पहले बता दिया कि मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया में हम डबल सेट एग्जामिनेशन दे देंगे डबल सेट एक्सामिनेशन देने में हम एआरएम प्लस ऑक्सीटोसिन देंगे आर्टिफिशियल आर्टिफिशियलचर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और ऑक्सीटोसिन देंगे ऑक्सीटोसिन देने के बाद अगर प्रोग्रेस अच्छी होती है तो वजनल डिलीवरी वहीं पे एक सेट पे डिलीवरी है और एक सेट पे हमारा सिजेरियन है ठीक है तो एक सेट पे हम वही वजैनल डिलीवरी दे देंगे अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है यानी कि अगर कॉन्ट्रेक्शन अच्छे नहीं आते हैं तो हम वजैनल डिलीवरी ना दे तुरंत बगल में जो सिजेरियन डिलीवरी का सेटअप है उस पर लटा के सिजेरियन सेक्शन कर देंगे ठीक है सेम जब एक्टिव मैनेजमेंट में देखेंगे कि ऐसा कोई केस नहीं है एक्टिव मैनेजमेंट में हमें क्या मिलेगा कि प्लासेंटा की जो एज है वो दो से तीन सेंटीमीटर अवे नहीं है और उसने क्या कर रखा हुआ है इंटरनल लॉस को या तो आधा कवर रखा हुआ है या तो पूरा कवर कर रखा हुआ है तो हम जानते हैं कि अगर इंटरनल ऑस हाफ कवर है यानी कि पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया होगा या फुल कवर है यानी कि कंप्लीट कम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया का केस होगा तो इसमें हमें डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन कर देना है और कुछ नहीं करना है सो दिस इज ऑल अबाउट प्लासेंटा प्रीविया आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट वीडियो में हम प्लासेंटा एब्रप्शन डिस्कस करेंगे टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे